मैनेजर है रवि ट्रेडिंग कंपनी होटल फाइव सेंसर्स एक टेंट एंड केटरर्स। साईं प्रणाम, सिटी वन चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे दिनभर, मैं हूं स्मिता। आगे बढ़ने से पहले वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सिटी वन परिवार की तरफ से दर्शकों से अपील, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नजर आज की हेडलाइंस पर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर अपर मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि मातृशक्ति दिवस पर महिला व बच्चों पर अपराधों पर की जाए समीक्षा। नवनिर्मित विधि विज्ञान प्रयोगशाला में बन रहे 24 घंटे कोविड 19 जांच सेंटर का जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण, कहा जल्द से जल्द कार्य को किया जाए पूर्ण। एसएसपी ने गोरखनाथ थाने का किया निरीक्षण, कहा जल्द ही थाने का बनेगा नया भवन। 6 काउंटरों पर शुरू हुई परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक पद के लिए अभ्यर्थियों की काउंसलिंग। बीते दिनों गुलहरिया थाना क्षेत्र में पथराव और हवाई फायरिंग का वीडियो वायरल, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। शासन के निर्देश पर 15 अक्टूबर से खोले जाएंगे सिनेमा हॉल। सिनेमा हॉल संचालकों ने सिनेमा हॉलों में साफ सफाई व अन्य सुरक्षा मानकों के कार्यों का किया प्रारंभ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर अपर मुख्य सचिव ग्राम विकास ने संबंधित अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क परियोजना की समीक्षा, दिए आवश्यक निर्देश। पीएम स्वनिधि योजना के तहत पंजाब नेशनल बैंक के मंडल प्रमुख ने लाभार्थियों में ऋण स्वीकृति पत्र का किया वितरण। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण ने संबंधित अधिकारियों के साथ नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर संचालित छात्रवृत्ति योजना की समीक्षा, दिए आवश्यक निर्देश। प्राचीन मानसरोवर मंदिर रामलीला मैदान में आयोजित हुआ सुंदरकांड पाठ, विजयदशमी में सीएम योगी करेंगे भगवान श्री राम का राज तिलक। 15 अक्टूबर से समुचित सुरक्षा व्यवस्था के बीच सीनियर सिटीजन के लिए खोला जाएगा नेहरू पार्क, तैयारियां हुई पूरी। संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति का कैंपियरगंज विधायक ने किया अनावरण। और राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने कर्मचारियों के विभिन्न मांगों के संबंध में सिटी मैजिस्ट्रेट के माध्यम से पीएम और सीएम को सौंपा ज्ञापन। लखनऊ से